अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में दंगल के समापन अवसर पर पूर्व सांसद देवराज पटेल का विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व सांसद देवराज पटेल द्वारा किया गया विवादित बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद देवराज पटेल ने दंगल देखने आई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर हमें बेवकूफ बनाते हैं और भाजपा के जितने नेता हैं वह अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के यहाँ किया है। एक तरफ मुसलमानों को अपना दामाद बनाते हैं, दूसरी तरफ हमें धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। पूर्व सांसद का यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुस्लिम सब एक साथ भाईचारा के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम उसके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम करके ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब के सब अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब के सब अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। फिर ऐसा आपने क्यों किया है? कैसे हो सकता है? फिर क्यों दामाद बनाए हो उसको? एक तरफ आतंकवादी कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी है और बेटियां ब्याहते हैं मुसलमानों के घर में हो। ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले से दूर रहकर मेरे साथियों इस बार सुखेन सिंह बन्ना को इतना मत दे दीजिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा हिल जाए और यहाँ से मंत्री बनकर सुखेन सिंह बन्ना जाएंगे, तभी ये जिला बनेगा और इस जिले का विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब के सब अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब के सब अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों